ललितपुर में लगने लगा है जाम। जाम की स्थिति बनने लगी है ललितपुर शहर के अंदर, जबकि बनवे होने के बावजूद भी इस प्रकार का दृश्य सामने आ रहा है, जहां फोर्स लगाकर वहां से जो जाम है उसको हटाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ललितपुर में जिस तरीके से अतिक्रमण बढ़ा है और अतिक्रमण को हटाने में तमाम प्रयास जो किए गए हैं वो पूरी तरीके से नाकाम हैं। खास तौर से नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो अतिक्रमण बढ़ा है उसको लेके नेता जो पहले भाषण देते थे, ज्ञान की बातें करते थे, आज वही नेता खामोश हैं और अधिकांश सत्ताधारी पार्टी के लोग ही सड़कों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किए हुए हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते कि आम जनता को जो अतिक्रमण से समस्याएं हो रही हैं उसका निदान कैसे मिलेगा। जो सत्ता में नहीं थे उस समय अतिक्रमण हटाने के लेकर अभियान चलाने की बात करते थे, आज वही अतिक्रमण करने के लिए कहीं ना कहीं आमदा हैं और जो अधिकारी हैं वो भी शांत बैठे हैं। आखिर कब चलेगा ललितपुर शहर के सड़कों पर बुलडोजर ताकि जो अतिक्रमण है वो हटाया जा सके। अतिक्रमण के कारण लोगों को निकलने में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े व्यापारी सड़कों पर अपनी दुकानें फैला कर बैठे रहते हैं और कोई कहने वाला नहीं है। कहावत तो सुनी होगी, सक्षम को नहीं दोष घुसाएं। जो व्यक्ति सक्षम है, पैसे वाले हैं, तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई डर नहीं है, कोई कानून का डर नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। कहने वाला तो होगा आम व्यक्ति के लिए जो फुटपाथ पर बैठा होगा अपना घर का पेट भरने के लिए ऐसी धूप में सड़कों पर बैठकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा होगा, लेकिन जो सक्षम है उनसे कहने वाला कोई नहीं। अतिक्रमण। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।